हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी नेट का या 2 दिसंबर को जो आज का पेपर हुआ, पेपर वन के एग्जाम का जो हम एनालिसिस करने वाले इस वीडियो के अंदर, और आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और क्या उसके आंसर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया सरकारी फॉर्म आता है या कोई नई अपडेट आती है तो हम उसके सबसे पहला वीडियो जो है आपके लिए लेकर आते हैं स्मार्ट नौकरी चैनल पर। और यहाँ पर आपको हम एग्ज़ाम के एनालिसिस करवाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स करवाते हैं, साथ ही आपको स्टडी मटेरियल, सिलेबस, सब कुछ आपको बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 दिसंबर का जो पहला क्वेश्चन है, सीडी रोम, डीवीडी रोम, हार्ड ड्राइव अरेंज एज पर देयर सेविंग कैपेसिटी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज फॉर ईमेल, डोमेन यूज्ड। थर्ड क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर्स सेलिब्रेटेड दिवाली इन कश्मीर, जहांगीर। फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, SDSL फुल फॉर्म देना है यहाँ पे, ABCD का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, सब्सक्राइबर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सब्सक्राइबर डिजिटल सिमेट्रिक लाइन, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डी है नन ऑफ द अबो। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। तो नंबर 5 पे आप देख सकते हैं, विच रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर्स, किलोबाइट्स, जीगाबाइट्स, टेट्राबाइट, पेट्राबाइट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी है इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, नंबर 6 पे आ जाते हैं, वेयर आर कट एंड कॉपी टेक्स्ट केप्ट इन। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, नोटपैड, कैरेक्टर मैप, क्लिपबोर्ड, फॉर्मेट प्रिंटर, और ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, क्लिपबोर्ड। नंबर 7 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ ई शेड सिंध, एनलिस्ट, यूजीसी, इन्फोनेट, इंडेसेट, नॉन ऑफ द अबो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबो। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज NEAA formed, 1987, 1997, 2007 या 2017। और इसका आंसर है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि 1997। क्वेश्चन नंबर 9 पे की बात करें, वेयर वॉज मिनिस्टरियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज ऑफ बेसिक कंट्रीज हेल्ड रिसेंटली। ऑप्शन है आपके USA, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, और इसका आंसर है आप देख सकते हैं ऑप्शन डी। नंबर 10 पे आ जाते, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफील्ड्स, बेंगलोर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान। आ जाते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आफ्टर 73rd विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट डायरेक्ट इलेक्शन ऑन पंचायती राज सिस्टम। तो इसका आंसर देख लीजिए, पहला ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 की आ जाए, तो यहाँ पे है, व्हाट इज कॉल्ड व्हाइट मैन कमिश्नर, कमीशन, कैबिनेट कमीशन, फाइनेंस कमीशन। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं सी, साइमन कमीशन। 17 पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, 7, 8, 9, 10। ऑप्शन है इसका आंसर सी, यानी कि 9। 18 पे आ जाते हैं, हु हैव पावर टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ए है प्राइम मिनिस्टर, बी है गवर्नर, सी है प्रेसिडेंट, डी है चीफ मिनिस्टर। तो इसका आंसर है सी, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए, इन विच स्टेट रेस एस्टेब्लाइज्ड इज अनाउंस्ड फॉर गवर्नमेंट कॉलेज बाय हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी बेंगलुरु, डी राजस्थान। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, राजस्थान। नंबर 20 पे आ जाते हैं, विच कमिटी इज रिलेटेड टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ डिराइव्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी है, गनाम कमिटी। स्कूल एजुकेशन क्वांटिटी इंडेक्स में देखिए यहाँ पे 21 है, पब्लिश्ड बाय NIIT आयोग,
SEQI 2019 index is based upon the figure of which year? 2016-17, B 2017-18, 2018-19, 2014-15 और इसका आंसर है आपका A 2016 and 17. 22 का आप देख सकते हैं 38-18-38, तो नेक्स्ट नंबर आपका आएगा यहाँ पे 78. फुल फॉर्म ऑफ NOR norm, write once, read many. तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आए थे 2 दिसंबर को, और हम दोस्तों आपके लिए जल्द ही लेकर आने वाले पूरे पेपर का आंसर की सॉल्यूशन. जी हाँ दोस्तों, तो मैं चैनल साथ बने रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ. थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.